10 मई से गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा की तैयारी को लेकर गंगोत्री धाम पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम का दौरा कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गंगोत्री में वीआईपी पार्किंग तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि धामों की व्यवस्थाओं में आम श्रद्धालुओं की सुविधा, सहूलियत और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने गंगोत्री में प्रस्तावित टनल पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण कर एनएचआई डीसीपीएल के अधिकारियों को टनल पार्किंग की परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आज गंगोत्री धाम में हम लोग यहाँ पर हैं और इस मीडिया के माध्यम से, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से, मैं अखिल राष्ट्र के सभी बंधु बांधवों के मंगलमय के लिए कामना करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि गंगोत्री धाम के कपाट दिनांक 10 मई को समस्त यात्रियों के लिए 12:20 पर खोल दिए जाएंगे। आप आए माँ गंगा के पावन चरणों में और दर्शन करें। आप सभी के कल्याण के लिए पुनः शुभकामनाएं। जय माँ गंगा। तो हमारा 10 मई को कपाट खोलने हैं गंगोत्री के लिए। पहले भी एक राउंड मार चुका था, हुआ तक आया था। आज मैंने एक कपाट खोलने से चार पाँच दिन पहले एक टाइम किया कि एक बार ये निरीक्षण कर लें। जो छोटे छोटे तरीके के गैप से हैं उसको हम लोग चिन्हित करें और तुरंत दो तीन दिन के अंदर हम ठीक ठाक करें। तो ये उद्देश्य था हमारा और उस पर देखा हमने जो हमारे काम हैं, चाहे वाराणसी से संबंधित हों, टॉयलेट से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, लाइट से संबंधित हों, पानी से संबंधित हों, वो सब पर देखा, चर्चा किया। ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। छोटी छोटी जो त्रुटियाँ हैं उसको एक दो दिन में हम उसको ठीक करने के लिए निर्देशित कर दिया।